धीरे वो आपके बीच में चंद समय में पहुंचने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल के अध्यक्षगण, सेक्टर प्रमुखगण और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, भारी अतिवृष्टि के कारण पिछले चार दिनों से देवरिया और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जनजीवन अस्त व्यस्त सा है और इसीलिए कल मुझे देवरिया की सभी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम ऑनलाइन करना पड़ा। कोई संभावना नहीं थी कि मैं देवरिया जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, आज पूर्वाह्न में मेरा कार्यक्रम जनपद जौनपुर में था और जौनपुर से अब मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं इस धरती को नमन करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। देवरिया के साथ हम लोगों का संवाद एकदम आत्मीय है और मैं यहां पर आप सबके बीच में अनेक संघर्षों का साक्षी रहा हूं। आपके बीच में रह करके यहां की समस्याओं को बहुत नजदीक से जानता हूं, समझता भी हूं और उसका समाधान का रास्ता कैसे निकालना है इसके लिए अपने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के, संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के उन समस्याओं के समाधान का रास्ता भी हम लोग निकाल रहे हैं। हमें याद रखना होगा कि हम वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं, पूरी